हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज है 26 अगस्त 2023। 26 अगस्त 2023 से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं वो हम सारे आज आपके लिए लेकर आए हुए हैं। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द प्राप्त हो। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। दोस्तों, हाल ही में उत्तर प्रदेश कैबिनेट द्वारा कितने अटल आवासीय विद्यालयों को मंजूरी दी गई है? तो वो मंजूरी दी गई है दोस्तों 18 कमिश्नरी में मंजूरी दी गई है, जिसमें उत्तर प्रदेश कैबिनेट द्वारा 18 अटल आवासीय विद्यालयों को बनाने के लिए 1250 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है, जिसके तहत अटल आवासीय विद्यालयों को बनाया जाएगा। इस योजना के तहत कोविड के दौरान निराश्रित हुए बच्चे, गरीब मजदूरों के बच्चे आदि को निःशुल्क शिक्षा दिया जाएगा। अटल आवासीय विद्यालय कक्षा 6 से 12 तक संचालित की जाएगी तथा इन विद्यालयों की कुल क्षमता 1000 छात्रों की होगी, जिनमें 500 छात्राओं तथा इतने ही छात्रों को प्रवेश मिलेगा। अच्छा, आगे चलते हैं। स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत इस अटल आवासीय विद्यालय के विद्यार्थियों को 25 लाख स्मार्टफोन वितरण करने के लिए खरीद को मंजूरी दे दी गई है। अच्छा, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और यहाँ के गवर्नर जो हैं आनंदीबेन पटेल हैं। अब चलते हैं दोस्तों दूसरे प्रश्न की तरफ। हाल ही में महिला समानता दिवस कब मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है दोस्तों 26 अगस्त को। अच्छा, महिला समानता दिवस किस लिए मनाया जाता है? तो महिला समानता दिवस महिलाओं को सशक्तिकरण बनाने या उनके अपने समान अधिकारों के प्रति जागरूक बनाने के लिए किया जाता है। अच्छा, इस वर्ष 2023 की थीम क्या है महिला सशक्तिकरण या महिला समानता दिवस की? तो वो है महिलाओं के लिए आलिंगन समानता। इस वर्ष 2023 का थीम जो है ये रखा गया है। यह दिवस वर्ष 1971 में अंग्रेजी कांग्रेसों द्वारा महिलाओं के सम्मान के लिए इस दिवस को मनाया जाता है। महिलाओं के आधिकारिक तौर पे महिला समानता दिवस मनाया जाता है। अभी हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा पानी की प्लास्टिक बोतलों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? तो वो असम द्वारा लगा दिया गया है। 2 अक्टूबर से असम पर्यावरण और वन विभाग द्वारा 1000 मिलीलीटर क्षमता, जो कि 1 लीटर से कम की प्लास्टिक की बोतलें हैं, उनका उत्पादन और उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। असम सरकार द्वारा पॉलीटेरेप्थलेट से बनी बोतलें का उपयोग और उत्पादन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। अच्छा, असम की राजधानी जो है वो दिसपुर है। मुख्यमंत्री हेमंत विश्वा शर्मा है तथा यहाँ के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया हैं। चलिए दोस्तों, चौथे प्रश्न के ऊपर चलते हैं। हाल ही में किस देश के तेज गेंदबाज वहाब रियाज द्वारा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया गया? तो वो ले लिया गया दोस्तों पाकिस्तान द्वारा। अच्छा, इनका क्रिकेट में कब डेब्यू हुआ था? तो इन्होंने किया था सन 2008 में। रिटायरमेंट इन्होंने लिया 2023 में।
इनने कुल मैच खेले हैं 154 और इनका कुल विकेट है 237। आगे चलते हैं पांचवे प्रश्न। अभी हाल ही में चर्चा में रही दुती चंद किस खेल से संबंध रखती हैं? तो वो रखती हैं एथलीट। अभी इन्होंने 100 मीटर की दौड़ में प्रथम स्थान पर रहे और ये उड़ीसा उड़ीसा राज्य से भी संबंध रखते हैं। चलिए दोस्तों छठे प्रश्न के ऊपर। अभी हाल ही में किसके द्वारा दादी प्रकाश मणि की स्मृति में डाक टिकट जारी किया गया? तो वो जारी किया गया है दोस्तों द्रौपदी मुर्मू द्वारा। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा ब्रह्म कुमारीज की पूर्व प्रमुख दादी प्रकाश मणि की याद में राष्ट्रपति सांस्कृतिक केंद्र में एक टिकट जारी किया गया। यह डाक टिकट संचार मंत्रालय के डाक विभाग की माई स्टाम्प पहल के तहत दादी प्रकाश मणि की 16वीं पुण्यतिथि पर जारी की गई। आगे सातवें प्रश्न के ऊपर चलते हैं। अभी हाल ही में डांसिंग पिकाचू कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया गया? तो वो किया गया है दोस्तों जापान में। सॉरी दोस्तों यहाँ पर मैंने ऑप्शन लिखना भूल गया। तो वो किया गया है दोस्तों जापान में। यहाँ की राजधानी टोक्यो है। यहाँ की मुद्रा येन है और यहाँ के प्रधानमंत्री फोमियो किशिदा हैं। अच्छा, ये जो डांसिंग पिकाचू है ये ग्रुप में बच्चों के एंटरटेनमेंट के लिए कराया जाता है ये जो डांस होता है। तो ये अभी डांसिंग पिकाचू कार्यक्रम जापान द्वारा आयोजित किया गया। आठवें प्रश्न के ऊपर चलते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा 25 अगस्त को 31,000 स्कूलों में नाश्ता योजना शुरू की गई? तो वो किया गया दोस्तों तमिलनाडु सरकार द्वारा। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई, राज्यपाल आर एन रवि तथा मुख्यमंत्री एम के स्टालिन है। आगे चलते हैं। मुख्यमंत्री द्वारा नागपट्टिनम जिले के थिरुकुवंगाई में एक पंचायत स्कूल में इस योजना का उद्घाटन किया गया। तमिलनाडु में मध्यान्ह भोजन योजना का शुभारंभ 1956 से लागू है। आगे 2022 में शुरू हुए नाश्ता योजना के अंतर्गत विद्यालयों में 40% की उपस्थिति में सुधार हुआ है। अच्छा, आगे नाश्ता योजना के अंतर्गत सभी विद्यालयों में प्रत्येक दिन नाश्ता उपलब्ध कराया जाएगा और इस योजना के अंतर्गत 13 मेनू हैं, मतलब नाश्ते के 13 प्रकार हैं और हर दिन अलग अलग नाश्ता होगा। 9वें प्रश्न के ऊपर। हाल ही में पीएम मोदी ने 40 साल में किस देश का दौरा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बन गए हैं? तो ग्रीस देश का दौरा किया है। चलिए 10वें प्रश्न के ऊपर चलते हैं। अभी हाल ही में सीमा देवी का निधन हो गया, वो कौन थी? तो वो एक अभिनेत्री थी जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर यह इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द प्राप्त हो। धन्यवाद।